मंत्री महाराज, आपने हमसे कहा था कि आज की सभा विशेष है और आपसे अनुरोध किया था कि आज की सभा में महारानियां उपस्थित रहें। तो लीजिए, हमारी दोनों रानियां आज यहाँ पर उपस्थित हैं। महाराज, दोनों महारानियां आज की विशेष सभा में उपस्थित हो ये अनुरोध हमारा नहीं अपितु हमारे अतिथि का है। हमारे आज के अतिथि का नाम शमशेर खान है, जो विशेष तौर पर आपसे और आदरणीय महारानियों से भेंट करने के लिए कंधार से पधारे हैं। हमारे आज के अतिथि एक पक्षी विशेष यज्ञ है और इनका यह दावा है कि इनके पास ऐसे विचित्र और अद्भुत पक्षी हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे। परंतु आज जो पक्षी महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो उनका एक तोता है और उनका यह दावा है कि आज तक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ पक्षी किसी ने नहीं देखा होगा। ये तोता इंसानों की भाषा में बोलता है, केवल एक दो शब्द या एक दो पंक्तियां ही नहीं, पूरा वार्तालाप करता है। तो यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अवश्य, हम स्वयं तत्पर हैं ऐसे विलक्षण तोते से मिलने के लिए। बुलाइए। जी महाराज। शमशेर खान को बुलाया जाए। सलामत की नजर में खादिम शेर खान का पुरखुलूस आदाब। शमशेर खान, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। यही है वो दुर्लभ तोता जो मनुष्यों की भाषा में बात करता है। जी बादशाह सलामत, यही वो तोता है जो हमारा और आपकी जबान में गुफ्तगु करती। ये खुदा की वो इनायत है जिसका कोई दूसरा मिसाल नहीं है। इसका रंग बिरंगा पंख, इसका सुंदर बनावट इसे बेमिसाल बनाती। क्यों मिट्टू मियां, आज तुम्हारा मुराद पूरा हो गया। शहंशाहों के शहंशाह, शानों की शान कृष्ण देवराय तुम्हारे सामने रूबरू है। तुम उन्हें अपना खेल का दम नहीं देगी, अरे अपना तारुफ नहीं कराएगी। इनका भाषा में तारुफ दो। धन्यवाद महाराज, आज आपको यूं साक्षात सामने देखकर अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा है। कब से आपके दर्शनों के अभिलाषी था ये मिट्ठू, मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें महान सम्राट। अद्भुत, सच में अद्भुत। बादशाह सलामत, अगर आपका इजाजत हो तो मिट्ठू मियां इन देवियों के बारे में कुछ बोले। अवश्य अवश्य बुलवाइए। मिट्ठू मियां, तुम इन देवियों के बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? सृष्टि के दो सबसे सुंदर महारानियों को भी मेरा नमन स्वीकार हो। कैसा विलक्षण सौंदर्य है, कैसा अद्भुत तेज, कैसी प्रकाशमय आभा, कितनी सुंदर है विजयनगर की दोनों महारानियां। हमें ये तोता चाहिए, हमें ये तोता चाहिए महाराज। अरे ये तो झलक भरती जिले लाए, इस खुदाई करिश्मे का असलियत कभी हमने आपको बताया ही नहीं। ये किसी को भी परख लेने में माहिर है, किसके मन में क्या चलता इसे फौरन पता चल जाती। यार गद्दार, फाजिल, बेवफाई, इश्क, नफरत कुछ भी इससे छुप नहीं सकता। ये इंसान की शख्सियत का सबसे सच्चा आईना होती। हम नहीं मानते कि कोई पक्षी किसी के बारे में सब सच सच जान ले। नाना मल्लिका आलिया, ये सबको फितरत जान लेती, और सबसे अहम बात, ये जब भी बोलती जिसके बारे में भी बोलती बिल्कुल सच बोलती। तो ठीक है, यदि ऐसा है तो आप अपने इस तोते से कहिए कि महाराज के बारे में कुछ पता है। यदि इसकी बात सच निकली तो हम मान लेंगे कि आपका ये तोता सचमुच किसी की भी सच्चाई जान सकता है। यदि महारानी चिन्नादेवी ऐसा चाहती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। शमशेर खान, अपने इस दुर्लभ तोते से कहिए कि हमारे बारे में कुछ बताएं। जो हुकुम जहापना, हमको पूरा यकीन है जहापना कि हमारा मिट्ठू मियां आपकी शख्सियत से ताल्लुक रखती। जब भी बोलेगी माशाल्लाह ही बोलेगी,
मगर गुस्ताखी के लिए माफी चाहते। आगा करना हमारा काम है। एक बार फिर सोच लीजिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारा मिट्टू मियां जब भी बोलेगी बिल्कुल सच बोलेगी, कभी झूठ नहीं बोलेगी। दोबारा वो लोग सोचते हैं शमशेर खान, जिनके व्यक्तित्व में खोट होती है। जैसा कहा है कीजिए। जो हुक्म जा बना तो बताओ मिट्टू मियां, हमारे नाज चमन पुरकशिश शानों की शान शहंशाहों के शहंशाह श्री कृष्ण देवराय की शख्सियत के बारे में बताओ, इनकी शख्सियत का असली सच क्या है? एक राजा महाराजाओं का महाराजा, प्रजा ही जिसकी संतान, प्रजा ही जिसका ईमान, करता ना कभी आराम, चारों पहर बस आता प्रजा के काम, रक्षक है वो सबका, रक्षक है वो बुराई का, करता बड़ा प्रेम अपनी दोनों रानियों से, गूंजेगा एक दिन इस महल का इतिहास इनकी प्रेम कहानियों से। मिसाल जिसे कहते हैं देवता स्वरूप महाराज श्री कृष्ण देव राय, इन्हीं को तो कहते हैं। महाराज ये तोता तो हमें चाहिए। ये आपका तोता तो बड़ा विलक्षण है, जरा इनसे कहिए हमारे बारे में कुछ बोले, हम भी तो सुनना चाहते हैं कि हमारे बारे में क्या बोलता है। हाँ अवश्य, हम चाहते हैं कि आपका ये तोता हमारे मंत्रीवर के बारे में भी कुछ कहे। जो हुकुम बादशाह सलामत। सच्चा है ये, निश्चय का पक्का है ये, जीवन जिसका अपने राजा के नाम है यही तो वो मंत्री महान है, छोटी महारानी जी थोड़ा धैर्य रखें। एक तोता कम था क्या? हाँ थोड़ा धैर्य रखिए, अरे तोते को भी तो बोलने का एक अवसर दीजिए। अब इनका बारी। इनका बारी? अरे हुजूर अब आपका बारी। हमारी क्यों? अरे सुना है आप इस दरबार की आन है? हाँ है। अरे राजगुरु है तुलवा खानदान के? हाँ है। तो अरे तो आपके मुतालिक भी तो कुछ होना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए आगे बढ़िए, हम ठीक है। आचार्य वर महाराज बोल लेने दीजिए तोते को, इसमें क्या बुरा है? महाराज ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये समृद्धि, ये तो साधारण लोगों की लालसाएं है महाराज, हमारे योगी जीवन से इनका क्या सरोकार। महाराज हमारा जीवन तो एक खुली पुस्तक है जिसके हर पृष्ठ पर केवल और केवल प्रभु की भक्ति लिखी और अपने महाराज के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा लिखी। इस विषय से तो देवता तक परिचित है। हम क्या करेंगे ऐसे निरर्थक पचड़ों में पढ़कर। आचार्य क्षमा करें गुरुवर, परंतु आप जैसा दिव्य, आप जैसा असाधारण, आप जैसा महान पुरुष कोई नहीं। अब हम सब तो साधारण मनुष्य ठहरे, हमें तो साधारण भाषा की अभिव्यक्ति ही समझ में आती है। तो हम सब की ओर से आपसे अनुरोध है आचार्य कि इस स्वर्णिम अवसर से हमें वंचित ना रखें और इस तोते के मुख से आपकी महानता का गुणगान सुनने का सौभाग्य प्रदान करें आचार्य। नहीं क्षमा करें आचार्य, परंतु हम पंडित रामकृष्ण की बात से सहमत है। अगर ये तोता आपके बारे में कुछ प्रशंसा करना चाहता है तो उसे बोलने दीजिए ना, इसमें गलत क्या है? मंत्रीवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्यवर। शमशेर खान जी हुकुम झापना, अपने तोते से कहिए कि हमारे गुरुवर के लिए कुछ शब्द बोले। जो हुकुम झापना। अरे तो देर किस बात की मिट्टू मियां, अरे इधर देखो इधर और बताओ इस खुदा के नेक बंदे की असलियत क्या है, इसकी असलियत का सच क्या है, वो सबके सामने बताओ। जी तोते को इसने मुंह खोला नहीं कि आप आती होती नहीं। अरे ले भाई निकल ले, इससे पहले इस बुढ़ो के साथ साथ हम दोनों को महल से बाहर फेंक दे, चल निकल चल। महादुष्ट महालोभी महापापी
आयुष्मान भव। महाराज ये तोता तो हमें चाहिए। क्यों भाई मनी, ये तोता पागल तो नहीं हो गया? अरे इस भेड़िये को भेड़ बता रहा है। हमें पता था राजगुरु, स्वयं भगवान जिसके सानिध्य हो उसके गुणगान तो समस्त सृष्टि करेगी। हमें गर्व है कि आप तुलवा वंशज के राजगुरु हैं। हमारा सौभाग्य है महाराज। तो बादशाह सलामत, अगर आपका मर्जी हो तो हम आगे बढ़े। अवश्य अवश्य। रामा ये क्या बोल रहा है, तथाचार्य और नेक इंसान? हाँ ये क्या बोल रहा है ये तथाचार्य और नेक इंसान? ये लो, तोते का असर तुझ पर सबसे अधिक हो रहा है। ये तो अब तेरी ओर ही आ रहा है रामा। कौन? तोता। अब हमारा मिट्टू मियां इस खूबसूरत नौजवान से बात करेगी। तुम्हें पता है मिट्टू मियां ये खूबसूरत नौजवान कौन है? ये खूबसूरत नौजवान इस दरबार का अजीम तरीन नगीना है, बादशाह सलामत का सलाहकार जनाब रामकिशन है। तो मिट्टू मियां तुम इनके बारे में कुछ अर्ज नहीं करेगी? प्रणाम मिट्टू महोदय। दिखता है भोला भाला, जपता है सदैव सत्य की माला, लगता है सबको बुद्धिमान बड़ा, है सबको इसकी बुद्धि कौशल पर अभिमान बड़ा। पर सत्य तो ये है कि ये इसका वास्तविक रूप नहीं, ये झूठ का आडंबर है, सत्य की धूप नहीं। का साहस रखना चाहिए, यह तो केवल एक पक्षी है, इसे मान अपमान का अर्थ क्या पता? पंडित रामकृष्ण के विषय में इनसे एक भूल हो गई। इस तोते ने वही कहा जो उसे सत्य लगा है, किंतु है तो यह एक निश्चल पक्षी, क्षमा के योग्य है। आप बैठ जाइए। महारानी, हम आपकी भावनाओं को समझ चुके हैं। शमशेर खान, निसंदेह अनमोल है आपका ये तोता। ये तोता और उसका ये सत्य भी। किंतु यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपसे ये तोता खरीदना चाहेंगे। हम इस दुर्लभ तोते को अपने पास रखना चाहेंगे। तो बताइए क्या मूल्य दे सकते हैं हम आपके इस तोते का? माफ करे जहापना, माफ करे। ये हमारा रोजी रोटी है, इसको हमने बेच दिया तो हम बेरोजगार हो जाएगी। हम इसको बेच नहीं सकते, लेकिन ये हमारा खुशकिस्मत है कि बादशाह सलामत ने हमसे कुछ मांगी है। तो बादशाह सलामत अगर इस तोते के एवज में हमें 1,00,000 असरफिया इनायत फरमा दे तो। महाराज यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कहिए पंडित रामकृष्ण। क्षमा करें महाराज, परंतु आपको ऐसा नहीं लगता कि जो धनराशि ये मांग रहे हैं वो अधिक से कुछ अधिक ही है इस तोते के लिए? यही तो
सारा फेर समझने का ही तो है सलाहकार महोदय, क्योंकि जिस दूरदृष्टि से महाराज इस दुर्लभ प्रतिभा का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस सोच के आसपास सोचने की बुद्धि क्षमता आपके पास तो हो ही नहीं सकती। 10,000 वर्ष लगेंगे आपको इस दूरदृष्टि को समझने के लिए, जिसे इस समय हम और केवल हम समझ सकते हैं। ये एक तोता नहीं है, केवल तोता नहीं है, एक शस्त्र है, अचूक शस्त्र, जो इस राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसे करामाती अद्भुत विलक्षण शस्त्र के लिए 100,000 स्वर्ण मुद्राएं क्या है? कुछ नहीं, ऐसा ही जैसे राई का एक दाना। मैं मानता हूं आचार्य कि ये बड़ा ही विलक्षण तोता है, परंतु परंतु आशय, एक व्यक्ति अपने जीवन यापन का आधार महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा है और इस साधारण से मूल्य को आप अधिक बता रहे। 100,000 स्वर्ण मुद्राएं इसके लिए कुछ नहीं है महाराज। यदि 500,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए तो इस विलक्षण तोते के समक्ष वो भी कम है। महामंत्री महाराज, राजकोष से 500,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई जाए और शमशेर खान को इस अद्भुत तोते की कीमत अदा की जाए। महाराज, मंत्रीवर जैसा कहा गया है वैसा कीजिए आप। जी महाराज। परंतु महाराज, क्या है ये? ये क्या समस्या है आपकी सलाहकार महोदय? ये कितने किंतु परंतु प्रातःकाल घर से लेकर निकलते हैं आप? हर बात में किंतु परंतु, किंतु परंतु, किंतु परंतु, अब क्या 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 परंतु बोलिए। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें महाराज, परंतु यदि बाजार से कोई चार आने का झुंझुना खरीदने भी जाता है तो उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखता है। यहाँ तो 500,000 स्वर्ण मुद्राओं का विषय है। मेरी महाराज से केवल इतनी विनती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम 1-2 दिन रुककर विचार कर लिया जाए। यदि इसके बाद भी इस तोते की विशेषता इतनी ही विलक्षण रही तो फिर जैसा महाराज उचित समझे। हम पंडित रामकृष्ण के कथन से पूरी तरह सहमत है महाराज। इस पक्षी को हम 2 दिन बाद खरीद सकते हैं महाराज। आचार्य वर, आपका इस विषय में क्या कहना है? महाराज देखिए, कोई समस्या नहीं है महाराज, देख लेते हैं 2 दिन और। महाराज हमारा आपसे अनुरोध है, यदि महाराज की अनुमति हो तो हम शमशेर खान को अतिथि बनाकर अपने घर ले जाना चाहेंगे, ताकि इस अद्भुत तोते के साथ हमें कुछ और समय व्यतीत करने का अवसर मिले और यह भी अवसर मिले परखने का कि 2 दिन बाद भी इसकी प्रतिभा इतनी ही विलक्षण और विस्मयकारी है या नहीं, तो प्रमाणित हो जाएगा ये तोता इतने मूल्य का अधिकारी है या नहीं। अद्भुत, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा है यदि आप स्वयं इस तोते का निरीक्षण करेंगे तो हमें उसके पश्चात किसी और के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या उठा लो? अरे गुंडप्पा की घंटियों पे बैठे हो, घंटियां उठा लो। देख के तो बैठना था ना, क्या हुआ, थक गए हैं क्या? नहीं, थक गया हूँ। हाँ वही तो पूछा। क्या पूछा? यही कि थक गए हैं। नहीं। क्या नहीं? भूख लगी है। भोजन लगा ले। विश्राम करूंगा। हाँ तो भोजन खा के विश्राम करेंगे ना? नहीं। क्या नहीं? थक गया हूँ। हाँ तो विश्राम करके भोजन करेंगे। नहीं। अब क्या नहीं? पहले भोजन करूंगा फिर विश्राम करूंगा। हे भगवान, क्या हो गया है इन्हें? होश में आइए। क्या क्या हो गया है आपको? कुछ भी बोले जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ उत्तर दे रहे हैं, कुछ सोच रहा हूँ कि जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो दिखाई दे रहा है, और जो दिख रहा है क्या वो सही है? हे भगवान, क्या हो गया आपको? आज जो दरबार में हुआ, यदि तुम होती तो संभवतः तुम्हारी प्रतिक्रिया भी ऐसे ही होती। जानती हो क्या हुआ आज? दरबार में एक सच बोलने वाला तोता आया जिसने महाराज और तथाचार्य की प्रशंसा की, और जब मेरी बारी आई तो बोला, सुताता है ये मिट्ठू, इसकी भोली मुस्कान पर ना जाना, वो यदि समझदार तो इसकी लच्छेदार बातों में ना आना। ये अच्छा है, अब बस यही बचा था। इतनी मुश्किल से बंदर से छुटकारा मिला तो अब ये तोता गले पड़ गया। मनुष्य क्या कम पड़ गए थे जो अब ये जीव जंतु भी पीछे पड़ गए।
तोते ने बुराई भी की तो केवल आपकी। समस्या ये नहीं है शारदा कि तोते ने मेरी बुराई की, प्रश्न ये है कि उस तोते ने ऐसा किया क्यों? आचार्य की प्रशंसा और मेरी निंदा करके भला उस तोते को क्या लाभ? इस झूठ के पीछे एक पक्षी की क्या मंशा हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये जितना सीधा और सरल दिखाई पड़ रहा है उतना है नहीं। कह रही है, सब सुन लिया है इन्होंने। जितनी मुसीबत मोल लेनी है एक ही बार में ले लो, ये रोज रोज के भय से छुटकारा दे दो हमें। प्रतिदिन जब दरबार जाते हो यही भय लगा रहता है, लौट कर आकर हमसे कहोगे कि इस घर में आज हमारा अंतिम दिन है। सुना आपने अम्मा ने क्या कहा? फिर से कहो। सुना आपने अम्मा ने क्या कहा? नहीं नहीं ये नहीं, जो अभी अम्मा ने कहा, अम्मा और जो तुमने अभी कहा वो दोहराओ। है? अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना, फिर से दोहराओ। जब भी दरबार जाते हैं यही भय लगा रहता है, लौट कर आकर हमसे कहोगे कि आज हमारा इस घर में अंतिम दिन है। हाँ बहुत अच्छे, अभी काम करो, तुम यहाँ आओ और अम्मा तुम यहाँ आओ। हाँ और अब जब मैं ताली बजाऊं तो अम्मा तुम अपना संकेत करना और शारदा तुम वो दोहराना जो अम्मा कह रही है। हाँ चलो शुरू हो जाओ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? ऐसा अम्मा कह रही है? अच्छा अम्मा ने तो संकेत ही नहीं किया। अरे बस कहने वाली थी है ना अम्मा। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो ना, दोहराओ दोहराओ। हाँ जब भी दरबार जाता है उसका यही भय लगा रहता है कि वापस आकर कहीं ये ना कहे कि आज हमारा यहाँ पर अंतिम दिन है। ना नहीं कहूंगा, अगले वर्ष थोड़ी जाएंगे, इसी वर्ष जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे, सायंकाल जाएंगे, क्यों गुंडप्पे? क्या बात है रामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे तोते वाला प्रसंग समझ में आ गया? कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है बंधु, परंतु निष्कर्ष पर पहुंचना अभी बाकी है। मेरे को इस तोते की मानसिक अवस्था कुछ ठीक नहीं लगती। कैसे? अरे कैसे क्या, इसकी मानसिक अवस्था ठीक होती तो क्या हमारे महादूत गुरु को सदपुरुष नहीं कहता, कपटी प्रशंसा करता? तो इसमें क्या, हम भी तो वही करते, इस तोते की तरह रटे रटाए वही शब्द कहते जो कपटी गुरु हमारा कहता है, हमसे बोलने को बोलता है। सही है, ये बात तो सही है तेरी। एक टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है। वल्ला लजीज शानदार बेहतरीन, अरे क्या खाना थे बड़े उस्ताद, है मजा आ गई पुरसुकून। नोश फरमाएंगे? है? क्या फरमाएंगे? अरे शौक फरमाइए हुजूर। हम ये सब नहीं खाते हैं, आप खाइए। वैसे आपके आला दिमाग को मानना पड़ेगी बड़े उस्ताद, कब कहाँ कौन सा मोरा किस खाने में काबिज कर रहा है ये आपको अच्छी तरह से मालूम होती। इस पूरी दुनिया में हमने आपसे ज्यादा शातिर आदमी देखी ही नहीं, और हमने आज तक तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तुम्हारे इस तोते से प्रभावित होकर हमने महाराज को ठगने की इतनी बड़ी योजना बनाई, हमने तुम्हें तुम्हारे तोते के साथ महाराज के सामने पहुंचाया, और तुमने रकम क्या मांगी तोते के लिए? केवल एक लक्ष स्वर्ण मुद्रा है,
यदि हमने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आप तो ये एक लक्ष स्वर्ण मुद्रा लेकर दरबार से चल दिए होते। अरे बंदा, इसीलिए तो हम तुम्हारे शार्दूल को उंगली का घायल है। अरे क्या दकार किया, एक लक्ष हकीर रकम तो तुमने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं में तब्दील कर दिया। वल्ला वल्ला, मगर हमको एक बात का खौफ है। किस बात? अरे कहीं वो पंडित रामा को कहीं शक तो नहीं हो गया, जैसा हमने उसको सिखाई थी मिट्टू मियां को, उसने तुम्हारे दरबार में तारीफ की और उसका बुराई। कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जो करना चाहता है कर। तोते का मूल्य तो हमें ही मिलेगा। वरुण है ना, इन 5 लक्ष स्वर्ण मुद्राओं में से आधी धनराशि तुमने हमें देनी। अरे बिल्कुल याद है बड़े उस्ताद, बिल्कुल याद है। समझा मनी? अरे सब कुछ समझ गया मैं। ये सारा रचा खेल हमारे लोभी गुरु का ही है। चल अपना क्या, ये सोच कि 5 लक्ष स्वर्ण मुद्राओं में से जो चाहे तो अपनी झोली में भी गिरेगी। क्या सर लगा रखा? शंका गुरु जी, शंका। कैसी शंका? यही शंका कि इनके तोते का गला बैठ गया है। तुम दोनों क्या बोलती है सब है? हाँ, और नहीं तो क्या, जब से आया तब से खाया जा रहा बकर बकर बोलते रहा ही नहीं है। अरे क्या बात है पठान, यदि ये तोता नहीं बोला तो हमारी सारी योजना की बोलती बंद हो जाएगी। अरे बड़ा उस्ताद, तुम फिक्र बिल्कुल नहीं करती। अरे ये बड़ा कारोबारी तोता है, हम इसको जैसा सिखाएंगे ये वैसा ही बोलेगी। अच्छा तुम्हें नमूना देखने को मांगती? हाँ मांगती। मिट्टू मिया तुम्हें बड़े उस्ताद का मेहमान नवाजी कैसा लगी? खाना खाया? तुम कुछ इनकी शान में अर्ज नहीं करेगी? आपका धन्यवाद आचार्य, आप महान हैं। परंतु आपके ये दोनों अजीबोगरीब तोते मक्कारी की दुकान हैं। तोते? ये जो खड़े हैं सामने, एक पतला तोता एक मोटा तोता, इन्होंने ही कहा कि ये भी मेरी तरह तोते ही हैं। ये भी रटा रटाया वही बोलते हैं जो इनका कपटी गुरु इन्हें बोलने को बोलता है। ये भी कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जो मैं इनके महाघोर गुरु को सत्पुरुष कह रहा था। अरे चुप कर मेरे चाचा, क्यों राम राम सत्य करने में तुला पड़े हमारी? बोल रहा था तो पहले हमारी बातें सुन रहा था और सुन सुन के रट रहा था। अब बोलो बड़े उस्ताद, दरबार में महाराज के सामने इस तोते से कहकर तुम्हारे इन दोनों बाशिंदों को मौत की सजा सुनवा दी? क्या कर रहे हो पठान बाबा? पठान जो हुकुम करो उस्ताद, ले जाओ इस तोते को और इसे हमारी और प्रशंसा करना सिखा। अब ये महाराज का शस्त्र नहीं, हमारा शस्त्र है। एक ऐसा शस्त्र जिससे हम इस रामा की जड़ें सदैव के लिए काट पाएंगे। पंडित रामा कृष्णा, हाल हमारा ये प्रहार राजकोष पर संभाल। जितनी शक्ति लगाना चाहता है लगाए, लगा दे, नहीं बचा पाएगा अपने महाराज को तू हमारे इस कुप्रपंच से। हाँ तो दर्शकों, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई क्योंकि अब आरंभ होने वाला है एक बहुत ही रोमांचकारी कार्यक्रम, कठपुतली का खेल। तो बहुत शांति के साथ आनंद लीजिए इस नई कहानी का जिसका नाम है चतुर मित्र। हैं ये दो परम मित्र हमारे, था जिनका बसेरा दूर कहीं किसी नदी किनारे। बंदर और मगरमच्छ की अनोखी है ये कहानी। एक दिन बंदर के रिश्ते की बात चली, बंदर ने मगर से नदी के उस ओर चलने की बात कही। मगर बोला बंदर से, मैं तुझे ले चलूंगा नदी के उस पार, तेरी सहायता के लिए खड़ा है तेरा यार। बंदर ने मार कर गुलाटी, अपने खुशी का इजहार किया, मगर ने भी बंदर को अपने पीठ पर बैठा लिया। हंसी
अठखेलियों में बीत गया आधा सफर, अचानक बीच नदी में आकर रुक गया मगर। बंदर बोला मगर से, क्यों रुक गए मित्र, अभी तो आगे जाना है। जानता हूँ मित्र, मगर क्या करूँ, आगे चला नहीं जाता, लगी बड़ी भूख है, बिना भोजन अब रहा नहीं जाता। परंतु बीच नदी में भोजन कहाँ से आएगा? तुम ही तो हो भोजन मेरा, मार कर खाऊंगा, पेट भर जाएगा मेरा। ये कैसी बात करते हो मित्र? मित्र हूँ मैं तुम्हारा, भला मैं कैसे बन सकता हूँ भोजन तुम्हारा? मूर्ख बंदर, था ये मेरा षड्यंत्र तुझे खाने का, इसलिए तो माना था तेरा प्रस्ताव, तुझे नदी पार कराने का। छोड़ दे उसे बंदर, नहीं तो लाठी से तेरा सर काटूंगी। मित्र कहता है और मित्र के साथ विश्वासघात करता है। अभी बताती हूँ तुझे बंदर, चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। कहाँ आ रही हूँ अम्मा, क्या कर रही हो, शांत हो जाओ। ये घर नहीं है कि लाठी पटकी और शुरू हो गई, असल का बंदर थोड़ी है, खेल चल रहा है, कठपुतली है, खेल चलने दो। बैठो 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 बैठो, अरे बैठ जाओ। क्षमा क्षमा महोदय क्षमा, आप वापस शुरू कीजिए। तो तुम बाज नहीं आओगे, ठान लिया है कि आज मुझे अवश्य खाओगे। हाँ तू मेरा भोजन है, आज तुझे ही खाऊंगा। सुना है बंदरों का हृदय बड़ा स्वादिष्ट होता है, एक ही बार में तेरा पूरा हृदय चट कर जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु खेद है मुझे कि मेरा हृदय खाने का आज तुम्हारा ये स्वप्न पूरा ना हो पाएगा। आज बिना हृदय के ही ये बंदर तुम्हारे पेट में जाएगा। क्यों? मुझे तुम्हारा भोजन बिना हृदय के खाना होगा? जब तुम यहाँ तो तुम्हारा हृदय भी तो तुम्हारे साथ होगा। काश हो सकता ऐसा, सोच रहे हो तुम जैसा, परंतु क्या करूं, हृदय आज अपना मैं साथ नहीं लाया, उसे तो मैं अपने पेड़ की डाल पर ही भूल आया। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, पूरा खानदान ही पागल है क्या? नहीं नहीं, क्षमा महोदय क्षमा, आप जारी रखिए जारी रखिए। तो अम्मा को चुप करा रहे थे, अब स्वयं चिल्लाने लगे। मगर का हृदय मिल कहाँ गया? खेल समाप्त होने दो, फिर बताता। चल पड़ा मगर बंदर को लेकर अपने किनारे, झूम रहा था, स्वप्न होने वाले हैं पूरे सारे। पहुंचते ही किनारे बंदर कूद कर जा बैठा पेड़ की डाल पर, हंसने लगा बेतहाशा मगर की बुद्धि के हाल पर। समझ गया मगर, बड़ी चतुराई से बंदर अपने प्राण बचा गया, कितनी आसानी से इसे मूर्ख बना गया। ना रही मित्रता ना मिला आहार, तभी तो कहते हैं बंधु। धोखा दिया जो मित्रता में, तो पड़ेगी भारी कीमत चुकानी। ये क्या मिल गया जो इतना उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे? तोते की गुत्थी का हल मिल गया शारदा। मुझे समझ में आ गया है कि उस तोते ने मेरे और आचार्य के बारे में झूठ क्यों बोला, और ये भी समझ में आ गया कि कैसे बोला। कैसे? जैसे ये कठपुतली बोल रही थी। मेरा संदेह सही निकला, तोता केवल अपनी चोंच हिला रहा था, बोलने वाला तो कोई और ही था। कौन? शमशेर खान, स्वयं तोते का मालिक। उसके मुख से शब्द अवश्य निकल रहे थे, किंतु उसके अधर नहीं हिल रहे थे। आवाज उसकी थी और चोंच तोते की थी। वो ऐसा करेगा क्यों? 500,000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं होती शारदा, ये सब उसी के लिए किया गया है। तो अब? अब इस प्रपंच पर से पर्दा हटाना होगा और महाराज को पूरी सच्चाई बतानी होगी। ये ठग राजकोष को लूटने आया है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इस वास्तविक ठग को दंड तो अवश्य दिलाना पड़ेगा। कैसे?
अरे देना उत्तर शारदा के प्रश्न का रामा, कैसे करेगा तू ये सब? सोच बंधु, सारे पासे उल्टे पड़ जाए, खोदने वाला स्वयं गड्ढे में गिर जाए, जैसे को तैसा हो जाए, शमशेर खान का तोता उसी के विरुद्ध हो जाए, वो कैसा रहेगा? सुनिए महाशय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि खेल समाप्त हो चुका है, अब यहाँ कुछ नहीं बचा विघ्न डालने को। अरे रे, आप तो लज्जित कर रहे हैं। मेरे और मेरे परिवार के कारण आपके खेल में जो विघ्न आया, उसके लिए तो पहले ही मैं आपसे क्षमा मांग चुका हूँ। पर हम करते भी क्या, आपका खेल इतना जीवंत लग रहा था कि स्मरण ही नहीं रहा कि वो खेल है, सब वास्तविक लग रहा था, इसलिए थोड़े भावनाओं में बह गए। चाहते क्या हो? आपकी अद्भुत कला की प्रशंसा करने आया था मान्यवर। आप एक ही समय में इतनी सारी आवाजें निकाल लेते हैं, बंदर, मगरमच्छ, वायु, पानी, झरना, पशु पक्षी सबकी, वो भी बिना होठ हिलाए। ऐसा लगता है आपके कठपुतली के पात्र स्वयं बात कर रहे हो। सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप। धन्यवाद, लो खीरा खाओ। नाम जान सकता हूँ? भाई सब तो इसे खीरा ही कहते हैं। अरे आपका महोदय, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कोटेश्वरम है। कैसे कर लेते हैं? ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है ही नहीं है? बस धोया, छिला, काटा, नमक लगाया, खा लिया। क्या खीरा? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपकी कला की बात कर रहा हूँ। एक ही समय में इतनी सारी आवाजें, वो भी बिना किसी को पता चले, ये कैसे कर लेते हैं? अच्छा अच्छा, तो आप मेरे इस कला की बात कर रहे हैं। भाई ये तो हमारा खानदानी व्यवसाय है, बाप दादा यही तो किया करते थे। वर्षों की साधना, अभ्यास, परिश्रम, ध्यान के बाद इसमें पारंगत हासिल होता है। लो खीरा खाओ। फिर कभी क्या इस कला को सीखा जा सकता है? अवश्य सीखा जा सकता है। भाई दुनिया में ऐसी कौन सी कला है जिसे नहीं सीखा जा सकता? और कितना समय लगता है इसे सीखने में? ये तो निर्भर करता है कौन कितना परिश्रम करने को तैयार है। सिखाएंगे? किसे? मुझे। लो खीरा खाओ। यदि खीरा खाऊंगा तो सिखाएंगे? कदापि नहीं, ये खीरा पकड़ो, खाओ, मैं चला। अरे सुनिए तो, यदि आपके समय का मूल्य चुका हूँ तो क्या आप मुझे सिखाएंगे? तुम मेरे समय का मूल्य चुकाओगे? जी, मेरे विचार से इतनी गुरु दक्षिणा तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, यदि महान कलाकार कोटेश्वरम मुझे अपना शिष्य बनाकर मुझ पर अपना उपकार करना चाहे तो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये सोना देखकर मैं मान जाऊंगा? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं तो बस इतना कह रहा था। महान गया, बल्कि मैं मान चुका हूँ, मैं तुम्हें ये कला अवश्य सिखलाऊंगा। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। लो अब खीरा खा। अवश्य गुरुजी, अब जब गुरु माना है तो गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। अच्छा, हम ये अभ्यास कब से आरंभ कर सकते हैं? कल सायंकाल आ जाना। मैं तुम्हें एक बात बतला दूं कि मुझे इस कला की तकनीक आती है, पारंगत हासिल नहीं हुआ है। मैं तुम्हें तकनीक बतला दूंगा, अभी तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे आत्मसात करते हो। और एक और चीज, खाली पेट ही आना। अवश्य गुरुदेव, बिल्कुल खाली पेट आऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदैव की भांति माँ की कृपा इस बार भी मुझ पर बनी रहेगी। अवश्य बनी रहेगी। जी प्रणाम। अच्छा, मेरी एक छोटी सी विनती है। क्या? क्या हम इस अभ्यास का आरंभ माँ के इस मंत्र से कर सकते हैं? कौन सा मंत्र? ओम मात्रे नमः। ठीक है, तो हम इसका प्रारंभ इसी मंत्र से करेंगे। जी, सबसे पहले ऐसे बैठिए, सांस लीजिए, लंबी सांस और खींचिए, नियंत्रण बनाइए, बांध लीजिए सांसों को, समस्त ध्वनियां आपके पेट से ही निकलेंगे। गुरु जी मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेंगे। मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, प्रयास कीजिए। अरे ये देखिए महोदय, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप ये कला कभी नहीं सीख सकते। नहीं नहीं क्षमा गुरुजी, कर क्षमा, मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए फिर से प्रयास कीजिए। जी, लंबी सांस और लंबी, देखिए मुझे, ओम मात्रे नमः, ओम मात्रे नमः। देखा आपने मुझे, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोशिश कीजिए। ओम मात्रे नमः। और ध्यान लगाइए, ओम मात्रे नमः। होंठ नहीं हिलने चाहिए, अंदर से ओम मात्रे नमः।
देखिए महोदय, मैंने अपना काम कर दिया, आपको तकनीक बता दी कि कैसे करना है। अब ये सिर्फ आपके अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे आत्मसात करते हैं। मगर जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, आपको सदियों लग जाएंगे ये कला सीखने में। आज फिर एक लक्ष्य लिए आपके सम्मुख खड़ा हूं। लक्ष्य मेरे राज्य के राजकोष की रक्षा का, लक्ष्य मेरे महाराज मेरे अन्नदाता को ठग से बचाने का। मेरे इस प्रयास में अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखे माँ, मुझे अपनी अनुकंपा प्रदान करे। वचन देता हूं, जब तक ये विद्या नहीं सीख लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आशीर्वाद दें। धन्यवाद, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि अपना धन्यवाद आपके चरणों में कैसे अर्पण करूं, कैसे अपना धन्यवाद आपके हृदय तक पहुंचाऊं। समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको प्रसन्न कैसे करूं। एक उपाय तो है आपको प्रसन्न करने का। जानता हूं किसकी प्रशंसा से आप प्रसन्न होंगी, किसकी भक्ति से आपका मन भाव विभोर होगा। माँ के स्वामी, सदा सुहागिन माँ के सुहाग, भगवानों के भगवान, परम परमेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नमो हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। क्या तुम ये फिर से करके दिखा सकते हो? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय शारदा, कहाँ है तू शारदा? अरे हाँ, ये मैं ही हूँ।
ये बकरी नहीं है, मेरे पिताजी की आत्मा है जो बकरी के रूप में हमसे मिलने आई है, इसलिए तो इसे यहाँ लेकर आया हूँ। अब समझी कि मैं कौन हूँ। पिछली बार जाने की चीज तुम को मेरी जगह कितना कुछ खिला दिया, मैं तो अब आया हूँ। कहाँ है मेरे मोती चूर के लड्डू जो तुम मुझे खिलाना चाहती थी? अरे देख क्या रही है, तुझसे ही पूछ रहा हूँ। क्या बनाती हो लक्ष्मी? ये मैं ही हूँ, तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति। यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? नीचे देखो नीचे। हाँ, ये मैं ही हूँ, रामा का पिता। हाँ, क्या कर रही हो? पिताजी इतनी दूर से हम सब से मिलने आए हैं और तुम ऐसे खड़ी हो। जाओ जाओ आगे बढ़ो, प्रणाम प्रणाम करो। पैर भी तो छुओ पिताजी के। अरे सुना नहीं क्या कहा रामा ने? चलो पैर छुओ। सदा सुहागिन तो नहीं कह सकता, सदा मौन व्रत रहो। काश ये मौन व्रत मेरे जीवित रहते रहते रख लिया होता तो मेरा वैवाहिक जीवन कितना सुखमय हो गया होता। कोई जाप आप करती भी हो या ऐसे ही माला लिए हाथ में घूम घूम कर सबका मूर्ख बनाती हो? यही है, यही रामा के पिता है, और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी जली कटी तो कोई और नहीं सुना ही नहीं सकता। सदा सुहागिन रहो। और तू गुंडप्पे, तू पैर नहीं छुएगा? आयुष्मान भला पढ़ाई कर रहा है या सारा समय बस घंटियों के साथ खेलता रहता है? पलता। अरे कोई भोजन भोजन के लिए पूछेगा भी? हाँ, कितनी भूख लगी है? क्या कह रही है? पूछ रही है क्या खाएंगे भोजन में, हम अभी बना कर ले आते हैं। मोती चूर के लड्डू। हाँ हाँ, शीघ्र लेकर आओ, शीघ्र लेकर आओ। हाँ हाँ। क्या? हाँ, भोजन लेकर आते हैं और साथ में मोती चूर के लड्डू भी। जी जी रहो। सास जैसी भी हो, इस घर को बहू बड़ी अच्छी मिली है। ये क्या कर रही हो? शर्मा रहे हैं। शर्माती रहोगी तो मोतीचूर के लड्डू कौन बनाएगा? हाँ। फिर हाँ लाते। और सुनो, ऐसे तो रखती हो पर अपने पति का और ध्यान रखा करो। कितना अच्छा पति मिला है तुम्हें, कितनी सौभाग्यशाली हो तुम। सदा प्रसन्न रहो, जाओ लड्डू लेकर आओ हमारे लिए। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम तीनों पर हंस रहा हूँ। ये पिताजी नहीं है, केवल साधारण बकरी है। वो मैं था जो पिताजी की आवाज में बात कर रहा था और तुम लोगों को लगा कि बकरी बोल रही है। पर आप तो कुछ बोले ही नहीं। वही तो शारदा, वो मैं ही था जो बोल रहा था, बस मेरे अधर नहीं हिल रहे थे। इसे पक्षी भाषा कहते हैं अम्मा, उस कलाकार से सीखिए जो कठपुतली का खेल दिखा रहा था। ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हूँ? अपने बहू से बोलो भोजन तैयार करने के लिए। जल्दी सीख दिया लामा। सब माँ की कृपा है गुंडप्पे, अब जिसकी अनुकंपा जिसके से उसके लिए क्या असंभव है। फिर चल, किसी को बहुत बड़ी राशि लेनी है महाराज से, समय आ गया है कि उसकी राशि पर ग्रहण लगाया जाए। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आओ पठान आओ, क्या कहता है तुम्हारा ये मिट्ठू मियां? अभी अभी खाना फरमाइए साहबजादे, आराम कर। कहते कि इतना लजीज खाना के बाद अगर छास मिल जाती तो तबीयत खराब हो जाती। छास पीने का तो हमारा भी बड़ा मन कर रहा है। ओ अल्लाह।
तो हो जाए गुरु जी, छाछ हो जाए तो बुलाइए गुरु माता को और हम सबके लिए मंगवाइए छाछ, ताकि स्तोत्र को स्मरण हो जाए किसी गुरु घंटा गुरु बेमिसाल के यहाँ पर आओ भक्त का उत्तर मिला तो टैटे को है। हाँ गुरु जी, मंगवाइए ना छाछ, बुलाइए ना गुरु माता को। हाँ बुलाने की क्या आवश्यकता है, स्वामी ने सोचा पर और दासी सामने छाछ पीने का मन कर रहा था ना स्वामी, दीजिए आपके लिए छाछ। अरे वल्ला वल्ला भाभी जान, आपको कैसे पता लगा कि बड़े उस्ताद को छाछ पीने का मन करती? इसका उत्तर तो स्वयं स्वामी ही दे सकते हैं, अंतर्यामी और त्रिकाल दृष्टा है, भूत भविष्य वर्तमान सभी के ज्ञाता है। नहीं पता होगा कि इधर हमने छाछ बनाई और उधर स्वामी का मन करके छाछ पीने का, ये हुआ कैसे? संजोग समझती हैं आप, बस इसे ही कहते हैं संजोग। अब आप जाइए, जाके अपना काम कीजिए, जाइए। जैसे आपकी आज्ञा, ऐसे भी कितना काम पड़ा है, हम बाहर जाकर भैंसों को चारा देकर आते हैं। बहुत अच्छा, जाइए प्रस्थान कीजिए। मिलाओ अपने मिट्ठू मियां को, आखिर यही तो है हमारे 500,000 स्वर्ण मुद्राओं की वास्तविक कुंजी। जी भर के पिला। खिला रही है, कोई स्वाद ही नहीं है, कौन खाएगा ये चारा? भैंस बोलती है, प्रभु भैंस बोलती है, प्रभु भैंस, प्रभु भैंस बोलती है, प्रभु प्रभु भैंस बोल रही है, प्रभु क्या बोल रही है? भैंस बोल रही है, स्वयं अपने मुख से बातें कर रही है हमसे, हमने स्वयं अपने कानों से देखा। मती मारी गई है आपकी, कान बज रहे हैं आपके, खराब भैंस कैसे बोल सकती है? वही तो प्रभु, तो भैंस बोल रही है। आप चलिए, आप स्वयं देख लीजिए, आप चलिए हमारे साथ शीघ्र ही चलिए, चलिए स्वामी, चलिए 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 हमारे साथ, आपको दिखा दो हमने अभी भी क्या देखा। हम आपको दिखाते हैं। बोलिए भैंसी बोलिए, क्या समस्या है आपकी? बोलिए 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 भैंसी बोलिए, अभी अभी आप हमसे बात कर रही थी ना, हाँ उसी तरीके से अभी फिर से बोलिए। देखो स्वयं स्वयं स्वामी आए हैं तुमसे मिलने, अपने सारे कष्ट बता दीजिए, चुटकी बजाते ही हम सारे कष्ट दूर कर देंगे आपके। बोलिए भैंसी बोलिए ना। बस करो अपना ये प्रलाप, बुद्धि हिल गई है तुम्हारी? पठान का तोता बोल सकता है तो तुम्हारे हिसाब से संसार का हर जीव जंतु बोल पड़ेगा? आज कह रही हो भैंस बोल रही है, कल बोलोगी कुत्ता बोल रहा है, फिर बोलोगी बिल्ली बोल रही है, ऐसा होता है? ऐसा देखा कहीं? देखा स्वामी, अभी देखा, अभी तो ये हमसे सारी बातें कर रही थी किंतु अभी। अपने मस्तिष्क का इलाज करवाइए धर्मपत्नी जी, किसी वैद्य के पास जाइए और अपने लिए जड़ी बूटी घिसवाइए। बताइए भैंस बोल रही है? भैंस बोले, अरे हम बोले, हम बोले, हम बोले, हम बोले, बोले। मारी गई, मारी गई। अरे बाप रे, ये लोग तो अंदर ना ले, पर राम बाप के भी अंदर ले। क्या तलो, क्या तलो? ये आवाज कैसे?
कौन है वहाँ? कौन है? लगता है हमारी भैंस हमें वापस बुला रही है। अरे आप चुप रहिए, भैंस वापस बुला रही है। एक काम कीजिए, आप भीतर जाइए, जाके विश्राम कीजिए। क्या स्वामी? आवाज तो आई है, कहां से आई है ये आवाज? तो आई थी कहीं से। ये आवाज तो आई थी कहीं से, कौन हो सकता है? कौन हो? कहीं पंडित रामा तो नहीं था? क्या गुरुजी, वो पंडित रामकृष्णा विजयनगर में आपकी नींव इतनी बुरी तरह हिला चुका है कि आपको हर दिशा में उसी का आवाज हो रहा है। आनंद लीजिए छाछ का। माफी बड़ा उस्ताद, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, आप लोग पंडित रामकृष्णा से इतना खुश क्यों खाते? अरे आखिर वो रामकृष्णा है क्या चीज? अरे क्या कर रहे हो पठान बाबा, क्यों गुरुजी की दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? अभी भड़क जाएंगे तो फट जाएंगे, और फट जाएंगे तो संभालना बड़ा भारी हो जाएगा। अरे उस्ताद दफा कीजिए। अरे वो शख्स भी कोई चर्चा करने लाएंगे, शख्सियत और कहां वो है साधारणता हकीर मनुष्य। अरे दफा कीजिए, अब तो ठंडा ठंडा छास नोश फरमाइए। अरे वल्ला वल्ला, कैसा लगी हमारी छाछ? वल्ला वल्ला। कोई तो था यहाँ, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो पंडित ही था। ये तो महक उसी की महक है। अरे बड़ा उस्ताद खाक डालिए उस पंडित को, देखा नहीं उस दरबार में हमने कैसा उसको बोलती बंद कर दी थी। एक बार फिर मिल जाना तो कहीं मैं, अरे उसका कहां जुर्रत जो यहां कर वो अपनी। क्या हुआ? अरे गई। क्या गई? गई पठान साहब, क्या गई, कहां गई और कौन गई? आवाज गई। अब गई तो गई, जवानी होगी तो आ जाएगी है? इतना छटपटाने की क्या आवश्यकता है इसमें? तो हमें कौन सा कोई मधुर गीत सुनना है आपके मुख से? कल क्या होगी? कर्म दरबार में जाएगी, जो तोते ने बोलना है वो बोली, हम तोते का मूल्य वसूल लेंगे और संदर्भ समाप्त। जाइए जाके विश्राम कीजिए, कल हमने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं भी गिननी है, उसके लिए ऊर्जा बचा कर रखी है। यदि महाराज की आज्ञा हो तो हमारे अतिथि शमशेर खान और उनका विलक्षण तोता आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अवश्य बुलाया जाए, हम स्वयं तत्पर हैं उस दुर्लभ तोते से एक बार फिर मिलने के लिए। बुलाइए उन्हें। शमशेर खान आप क्या कह रहे हैं, मैं सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से बोलिए। मरुज की नजर में चिरकुट। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है शमशेर खान, आप क्या कह रहे हैं? वो क्या है ना महाराज कि इनका गला बैठा हुआ है, आज ये ऐसे ही बोल पा रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए महाराज, हमें तो इनका तोता खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है ना,
तो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आप बताइए आचार्य वर, किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? महाराज, दो दिन तक इस तोते को अपने घर में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से हमने परखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाराज ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही लिया था। इस विलक्षण तोते को अपने हाथ से जाने देना बहुत बड़ी भूल होगी महाराज। इसे तो अभी इसी समय तुरंत बिना एक क्षण गवाए 500,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेना चाहिए। यदि आप कहते हैं तो हम कहते हैं, हम तो कह रहे हैं महाराज, यह असाधारण तोता इससे कहीं अधिक का अधिकारी है महाराज। महाराज आइए आइए आइए, हम भी सोच रहे थे अभी तक आवाज नहीं आई कहीं से इनकी। बड़ा विलंब कर दिया इस बार आपने ये अपना किंतु परंतु बीच में लाने का। कोई निर्णय कैसे ले पाएंगे हम आपके किंतु परंतु के विघ्न के बिना। आइए आइए, आप यहाँ आइए, इधर आइए, थोड़ा आगे आइए महाराज के सामने, अब कहिए जो कहना है। क्षमा करें आचार्य, क्षमा महाराज, परंतु मैं कोई विघ्न डालने नहीं आया। अब आपने कह दिया है तो निर्णय तो हो ही चुका है। मैं तो महाराज से केवल ये अनुरोध करने आया हूँ कि इस तोते का मूल्य चुकाने से पहले क्या हमें एक बार इस अद्भुत तोते की दिव्यवाणी नहीं सुन लेनी चाहिए? अच्छा, पिछली बार की चीशा लिदेरी से पेट नहीं भरा आपका, जो इस बार फिर से लज्जित होना चाहते हैं तोते से? क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु बुराई क्या है, पंडित रामकृष्ण के अनुरोध में इस पक्षी का मूल चुकाने से पहले यदि उसकी विशेषताएं जांच ले तो कुछ गलत तो नहीं? क्या विशेषता जांच ले? कौन सी विशेषता जांच ले? हम जांच चुके हैं विशेषता। दो दिन क्या कर रहे थे तोते के साथ? हम कह रहे हैं ना, ये तोता इस मूल्य के योग्य प्रतिभा रखता है तो रखता है, इतना बहुत नहीं है? बहुत है आचार्य वर, आप तो स्वयं जानते हैं कि आपका कहा गया प्रत्येक शब्द हमारे लिए देवताओं का आदेश है। किंतु यहाँ पर प्रश्न आपका नहीं, इस तोते का, जिसे एक बहुत ही भारी धनराशि देकर खरीदा जा रहा है। तो यदि महामंत्री जी और पंडित रामकृष्ण कह रहे हैं कि उसकी गुणवत्ता जांचनी आवश्यक है तो एक बार जांच लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं लग रही है? महाराज, जैसा आप देख रहे हैं इन पक्षी विशेषज्ञ महोदय का गला बैठा हुआ है, अब इस स्थिति में ये संभव कहाँ है महाराज? क्यों संभव नहीं हो सकता आचार्य, गला तो इनका बैठा हुआ है ना, तोते का नहीं। हमें तोते की वाणी सुननी है, ये पक्षी विशेषज्ञ महोदय की नहीं। क्यों नहीं? औश, अपने मिट्टू मियां से कहिए कुछ बोल के दिखाए महोदय, ताकि इस पंडित को और यहाँ मौजूद सबको पता चले के तथाचार्य के निर्णय स्वयं भगवान का आदेश। कहिए कुछ बोलने के लिए। मुमकिन नहीं है? कह रहे हैं संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है मान्यवर? क्योंकि ये सिर्फ हमारी आवाज सुनकर बोलती है। कुछ समझ में नहीं आया, जरा एक प्रयास और करेंगे। ये सिर्फ हमारा बात सुनकर बोलती, ये केवल आपकी आवाज सुनकर बोलता है। अरे रे 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 महाराज, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये तोता केवल इनकी आवाज सुनकर ही बोलता है। अब इस तोते के साथ साथ हमें इन्हें भी सदैव के लिए महल में रखना होगा, क्योंकि इनके बिना इस तोते का क्या काम। अरे क्यों झूठ बोलता है मकान शमशेर खान? किसने कहा कि मैं केवल तेरी आवाज पर ही बोलता हूँ? मैं केवल अपनी इच्छा से बोलता हूँ। तेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है? चालसाज कहीं के धोखेबाज, चालबाज सारी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। वही बोलना पड़ता है जो बुलवाना चाहता है, नहीं मानता तो जल भोजन सब बंद कर देता है मेरा। बद्दुआ है मेरी तुझे पापी, नर की आग में जलेगा एक दिन, देखना तू। ले भाई मनी, हो गया काम तमाम, धनराशि गई तो गई, बुड्ढे का अध्याय भी यही समाप्त समझ। अब भी ये तोता इस बुड्ढे की असलियत खोलेगा और बुड्ढा महल से बाहर होगा। शमशेर खान, ये क्या बोले जा रहा है तोता तुम्हारा? अरे इस कपटी से क्या पूछते हो महामंत्री जी, मैं बताता हूँ ना, इसने तो कल ये भी कहने को कहा था कि ये जो खड़ा है ना तुम्हारे राजगुरु तथाचार्य अव्वल दर्जे के धूर्त है। सालों से अंधश्रद्धा के नाम पर विजयनगर की भोली भाली प्रजा को लूट रहे हैं, और तो और राज्य के राजकोष पर भी गिद्ध की तरह कुदृष्टि गड़ाए बैठा है ये पाखंडी। तब अवसर मिले और कर दे राजकोष खाली, इससे बड़ा लोभी और मक्कार संसार में पैदा नहीं हुआ। बस बस शमशेर खान,
बंद करवाई अपने इस तोते का मुंह। हम सब कुछ कह सकते हैं किंतु हमारे राजगुरु का अपमान नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्षमा करे महाराज, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो अपने इस कपटी स्वामी के आदेश का दास हूँ, वही कहता हूँ जो ये कहलवाना चाहता है। दंड का असली अधिकारी तो ये चालबाज मेरा स्वामी है। दंड देना है इस महापाखंडी को दीजिए महाराज। इसने ही तो मुझसे कहा था कि महल में स्थापित होते ही सर्वप्रथम इस पंडित राम कृष्णा का पत्ता साफ करना। और तो और महाराज, इसने ये भी कहा कि अगला लक्ष्य ये महामंत्री होना चाहिए। जब तक ये इस महल में है, इसका षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? आपके राज्य पर हमला करके इस राज्य को अपने अधीन बनाने का षड्यंत्र महामंत्री जी। ये कोई पक्षी विशेषज्ञ नहीं है महाराज, ये पड़ोसी देश का भेजा वो अय्यार है जो यहाँ मेरे द्वारा इस महल की जड़ों में अपने षड्यंत्र का बीज बोने का लक्ष्य लेकर यहाँ आया है। क्या है? ये झूठ है महाराज। बंदी बना लिया जाए इस धोखेबाज को। रहम मास्टर सलामत, आपको ये यार नहीं आते हैं। हम तो फनकार। केवल फनकार? हम छोटा मोटा ठग कह सकते हैं। साधारण तोते को असाधारण बनाकर ज्यादा से ज्यादा रकम बेचते हैं और कुछ नहीं भी रखा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका तोता झूठ बोल रहा है कि आप तैयार हैं? बोला हम सबके सामने, बोला हम सबने सुना। मैं तो परेशान हूँ सोच सोच करके, वो कैसे बोली? जैसे पहले बोला वैसे अभी बोला? पहले भी नहीं बोली। पहले भी बोला, हम सबने सुना। महाराज ने, दोनों महारानियों ने, आचार्य ने, मंत्री वर ने, मैंने, यहाँ उपस्थित सभी सभापतियों ने, हम सबने सुना। वो ये नहीं थी। यही तो था। नहीं थी तो कौन था? हम था। हाँ हाँ, आप भी थे, मैं भी था, हम सब थे, परंतु बोला तो आपका तोता ही था ना। नहीं बोली। तो कौन बोला? नहीं बोली। क्यों नहीं बोल सकता? ये बोल ही नहीं सकती क्योंकि परिंदा है, ये कैसे बोल सकती? तो कौन बोला? बोला कौन? हम बोली, जो भी बोले हम बोले, हमेशा हम ही बोले, और हम तो परिंदा की तोता बोले। यही वो पद है जिसको पाता उठाकर हम साधारण तोते को असाधारण दिखाकर ज्यादा से ज्यादा रकम इकट्ठी कर लेती थी। हमारा कुछ साजिश वाजिश नहीं, अब कोई यार नहीं बाबा की। किंतु तुम्हारी आवाज तो बैठी हुई है, तो आज तुम्हारी जगह तोते की आवाज किसने निकाली? यही तुम सोच रहे कि जब हम नहीं निकाल रहे तो उसका मतलब कौन निकाल रहे? महाराज वो मेरी आवाज थी। किंतु पंडित रामकृष्ण जी, महामंत्री जी, आपको मेरे अधर हिलते हुए नहीं दिखे किंतु बोल मैं ही रहा था। बड़ी ही दुर्लभ कला है महाराज, इसे पक्षी भाषा कहते हैं। कड़े अभ्यास के बाद कहीं जाकर सीखी जा सकती है। बिना अदर हिलाए पेट से बोला जाता है, ऐसे। सरल नहीं है सीखना इसे, परंतु जैसे तैसे बस सीख ही लिया। कैसी लगी सबको? अद्भुत पंडित रामकृष्ण, किंतु इतनी दुर्लभ कला आपने इतनी जल्दी सीख कैसे ली? सब माँ की अनुकंपा है महाराज, उनका आशीर्वाद हो तो क्या संभव है। और वैसे भी बिना ये कला सीखे इन महाशय का भांडा मैं कैसे फोड़ पाता, सीखनी पड़ी। महाराज अब क्या करना है इस ठग का? इस ठग को यहाँ से ले जाया जाए और अकेले नहीं, इस जानवर से हमारे साथ और भी।
हमारी ओर क्या देख रहा दुष्ट? अब तुझे यहाँ कोई छत्र छाया नहीं मिलने वाली। हमारे राज्य में आकर हमारे महाराज को ठगने का नीच प्रयास करता है तू, और हमसे सहानुभूति की आशा करता है? फांसी के फंदे तक घसीट कर लेके जाएंगे तुझे। यदि हमें पता होता ना एक कलाकार के मुखौटे के पीछे एक दुष्ट ठग छुपा है, तो अपने हाथों से तेरा बंद कर देखिए भरे दरबार में हमें धन का लालच दे रहा है, विजयनगर के राज पुरोहित को लालच दे रहा है ये दुष्ट। अभी एक शब्द और नहीं वरना फांसी पर चढ़वा देंगे। बुद्धि से काम ले पठान, खामोश रहे, जो हो रहा है उसे होने दी, बाद में चक्कर चलाकर तुझे बचा लेंगे। महाराज इसे बंदी बना दिया जाए। ऐसा ही हो। सिपाहियों ले जाओ इसे। महाराज तो ये थी इस ठग की कहानी, पंडित रामकृष्ण की जुबानी। ठग शमशेर खान जिसका काम ही अलग अलग राज्यों में जाना और अपने पक्षी भाषा के इस फन से लोगों को ठगना था, इसी लक्ष्य के साथ वो यहाँ आया। बेचारे भोले भाले आचार्य को अपने लच्छेदार बातों में फंसाया और इनके कंधों पर तलवार रखकर अपनी योजना पूरी करनी चाहिए। अब बेचारे आचार्य इतने निर्मल, इतने निर्दोष, निष्पाप हैं कि उस चतुर ठग के जाल में फंस गए और उसे अपना पूरा सहयोग भी प्रदान किया। देखिए तो सही महाराज, कितने अबोध हैं हमारे आचार्य। मैं आदरणीय आचार्य से क्षमा मांगना चाहूंगा कि इस पूरे संदर्भ में मुझे इनके बारे में भी कुछ कटु वाक्य कहने पड़े। मुझे आशा है कि मेरी व्यवस्था को समझकर कि ये सब इस चतुर ठग का प्रपंच सबके सामने लाने के लिए अत्यंत आवश्यक था, महान राजपुरोहित तथाचार्य मुझे क्षमा प्रदान करें। कितना समझते हैं हमें हमारे प्रिय सलाहकार महोदय। बिल्कुल सही कहा इन्होंने महाराज, बिल्कुल सही कहा। बस हम तो यही चाहते थे कि यदि ये विलक्षण तोता हमारे राज्य के काम आ जाता तो कितना अच्छा होता, परंतु हमें नहीं पता था कि वो विश्वासघाती इतना दुष्ट निकलेगा महाराज। यदि हमें पता होता तो हम जानते हैं पता होता तो आप क्या करते आचार्य वर, आप स्वयं उस ठग के प्राण हर लेते। जी। अभी आप ही ने कहा दो बार हमसे। जी। आचार्य वर क्षमा कीजिए किंतु इतना भोलापन भी ठीक नहीं है। हाँ। ऐसे तो कोई भी आपके भोलेपन का लाभ उठाकर जा सकता है, खासकर आपको ऐसे कुटिल लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जी महाराज, जी हम प्रयास करेंगे महाराज। पंडित रामकृष्णा। नहीं नहीं महाराज, इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, इस बार स्वयं इस तोते ने बोला। तोता बोला? ये तोता तो बोल नहीं सकता है। राम का नाम ले रहा है आचार्य, राम का नाम तो ले ही सकता है। देखिए रामा रामा रामा, देखिए देखिए सुनिए। पंडित रामकृष्णा कितना आभार व्यक्त करें हम आपका, प्रतीत होता है कि हमारे धन्यवाद कम पड़ जाएंगे किंतु आपकी कर्तव्य निष्ठा की कभी कोई सीमा नहीं मिलेगी। हमें गर्व है कि आप हमारे दरबार की शोभा है। धन्यवाद। और हम सोच रहे हैं कि इस बार आपको क्या भेंट दी जाए। चलिए एक काम करते हैं, आज आपको हम एक ऐसी भेंट देते हैं जिस पर केवल आपका अधिकार है। ये तोता आज से आपका हुआ पंडित रामकृष्णा। धन्यवाद महाराज। पहली बात तो ये गुंडप्पे की चाहे जो भी हो, महाराज कभी नहीं मानेंगे कि आचार्य वास्तविक रूप में विश्वासघाती हैं। ऐसी अटूट श्रद्धा है उनकी आचार्य पर, और यदि मान भी जाते तो क्या होता,
आचार्य की वास्तविकता जानकर जो आघात महाराज को पहुंचता उसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। विश्वास टूटने की पीड़ा बड़ी असहनीय होती है गुंडप्पे। मैं नहीं चाहता था कि महाराज आचार्य की वास्तविकता जाने और उन्हें इस पीड़ा से गुजरना पड़े। रही बात महाराज के आचार्य की वास्तविकता जानने की, तो मेरे प्यारे गुंडप्पे, झूठ ना एक कागज की नाव की तरह होता है जो बहुत दूर तक बहुत देर तक नहीं चलता, आखिरकार तो उसे ढूंढना ही पड़ता है। उसी तरह आचार्य का सत्य भी एक ना एक दिन महाराज के सामने आ ही जाएगा। हमारे महाराज बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान हैं, क्यों मिट्टू महोदय? बस अंधी श्रद्धा की काली पट्टी उन्हें कुछ देखने नहीं दे रही। जिस दिन उनकी आंखों से अंधविश्वास की ये पट्टी हटी, उस दिन आचार्य का काला अध्याय भी सदैव के लिए समाप्त। ये क्या कर दिया? अम्मा कह रही है उपहार भेंट में एक तोता ही तो मिला था, उसे भी उड़ा दिया। यही तो इनकी वास्तविक दुनिया है अम्मा, ये खुला आसमान, वो उसके लिए ही बने हैं, स्वतंत्र निर्भीक प्रफुल्लित। यही है इनकी असली दुनिया, किसी स्वार्थी शिकारी का बंद पिंजरा नहीं। क्या कर रही है? क्रोधित हो रही है। तोते के लिए? नहीं, मैं बकरी के लिए। बकरी के लिए? अरे उस दिन एक मैं बकरी को अपने पिताजी की आत्मा बताकर घर में ले आए, अपने मन की चलाए। आपको क्या लगा ये तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? पर वो बात तो पुरानी हो गई ना अम्मा। मुझे क्या करना चाहिए? आपको नहीं पता क्या करना चाहिए? पता है शारदा, पर थोड़ी मदद कर दो, बता दो क्या करूं? उठा लो। क्या तुम मुझे वही उठाने के लिए कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ, उठा लो। अम्मा, अरे अरे अम्मा रुक जाओ। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः। शारदा शीघ्र आए नमः, शारदा शीघ्र आए नमः, शारदा शीघ्र आए नमः। अम्मा सो जाए नमः, अम्मा सो जाए नमः। अम्मा की नींद और मेरी योजना में विघ्न उत्पन्न करेगा, भगाना पड़ेगा इसे। रुक रुक। दुष्ट कहीं का, अभी सबक सिखाता हूं। चला गया।
लगता है चला गया। किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शांता कहाँ रह गई? ये अम्मा के पैर दबाते दबाते स्वयं तो नहीं सो गई? गुंडप्पे तू सोया नहीं अभी तक? छोटे बच्चों को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, समझा? तो बच्चों को रात को नींद भी जल्दी आनी चाहिए ना, नींद भी नहीं आ रही है। ये शारदा तुम कब तक अम्मा के पैर दबाती रहोगी? अम्मा को सोना भी तो है, यदि तुम इसी तरह पैर दबाती रही तो अम्मा को नींद नहीं आएगी ना। चलो अब अम्मा को सोने दो, चलो गुंडप्पे तू भी जा, बहुत रात हो गई है, चलो चलो। खुद तो कभी माँ की सेवा करता नहीं है और अब कोई और कर रहा है तो बाधा डाल रहा है। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है क्या तुझे? डंडा कहाँ है मेरा? क्या बात है, डंडा निकाल लेती हूँ अम्मा, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। यूं ही पैर दबाती रही शारदा तो तुम्हारी नींद में विघ्न उत्पन्न होगा। कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है, अत्यंत आराम मिल रहा है। अम्मा कहते हैं कुत्ते तभी रोते हैं जब उन्हें कोई मृत आत्मा दिखाई देती है, क्या ये सच है? ये क्या व्यर्थ की बातें करती रहती हूँ, ये मृत आत्मा भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होते, सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे ऐसे कैसे कोई मृत आत्मा नहीं होती? मैंने खुद एक दुष्ट आत्मा का सामना किया है। तुमने कब? मैं जब 7 वर्ष की थी तब ऐसा ही एक कुत्ता मेरे घर के बाहर रो रहा था, पर वो एक वास्तविक कुत्ता नहीं था, कुत्ते के भेष में जला हुआ था। जलावा ये क्या होता है? जलावा किसी का भी रूप धारण कर लेता है। उस रात जलावे ने कुत्ते का रूप धारण किया और घर के बाहर रो रहा था। उसके पश्चात क्या हुआ अम्मा? मेरे पिताजी को लगा कोई आवारा कुत्ता रो रहा है, इसलिए वो घर के बाहर उसे ढूंढने निकले, पर वहाँ कोई कुत्ता नजर नहीं आया, परंतु कुत्ते के रोने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसके पश्चात क्या हुआ? जब मेरे पिताजी को कोई कुत्ता नजर नहीं आया तो वो घर लौटकर वापस आ गए। बहुत ही भयानक काली रात थी वो। हम सब आने वाली मुसीबत से अनजान चुपचाप सो गए। अचानक छलावा घर के भीतर आ गया। ऐसे कैसे भीतर आ गया अम्मा? नाना जी ने द्वार बंद नहीं किया था? द्वार तो बंद किया था, पर छलावा सांप के रूप में दरवाजे के नीचे से घुसा। कुत्ते से सांप कैसे बन गया? तू चुप कर, बीच में मत बोल, अम्मा भूल जाएगी, बहुत पुरानी बात है ना। हाँ, नहीं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मैं अपनी माँ की गोद में सो रही थी, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है। अरे मेरा प्यार था, गलती से लग गया, आप क्यों इतना डर रहे हैं? डर लग रहा तो अपने कमरे में जाके सो जाना। डर 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 किसे लग रहा है? मैं डर नहीं रहा हूँ जाजा, डर नाम का शब्द तो रामा के शब्दकोश में है ही नहीं। अम्मा आगे बता।
आते छलावे ने मेरा मुंह दबोच लिया। मुझे आज भी उसके तीव्र नाखूनों वाले पंजे याद है। फिर मैंने हिम्मत करके उसकी मुख की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, ये उभरा हुआ माथा। हमारे कान तो यहाँ होते हैं ना, उसके कान तो सर के ऊपर थे। फिर मेरी दृष्टि उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर नहीं थे, खोर थे, जैसे भैंसों के होते हैं ना। फिर अचानक उसने मुझे उठाया और घर के बाहर पटक दिया। मैं नहीं डरा अम्मा, मैं थोड़ी डरता हूँ। मैं तो कहानी में बिल्कुल मगन हो गया था। चलावा बड़ा ही विचित्र प्राणी रहा होगा ना? नहीं, विचित्र और अत्यंत भयानक। उसके पश्चात क्या हुआ? बस अब इन्हें नींद आ गई, बाकी कहानी बाद में सुनाएंगी। अम्मा, ये अनुचित होगा। पहले पूरी कहानी सुना, फिर सोना। नहीं नहीं अम्मा, सो जा। गुंडप्पे, इतना उतावला क्यों हो रहा है? अम्मा कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है, कल सुन लेना बाकी की शेष कहानी। हाँ, सो जाओ अम्मा, सो जाओ। उठा लो। क्या? स्वयं को उठा लो और चलो। कहाँ? मैं आज अम्मा के साथ ही सोऊंगा, तुम जाओ। अम्मा के साथ सोओगे? छोटे बच्चे हो क्या? ये इतनी देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया? तब अम्मा की कहानी नहीं सुनी थी ना, अब उनकी कहानी सुनने के बाद अम्मा के लिए चिंतित हो गया हूँ। कहीं वो चलावा फिर से आकर उन्हें ठाक कर ले गया तो? इसलिए मैं यहीं सोकर अम्मा की रक्षा करूंगा। हाँ, तुम जाओ। हाँ? हमें आपके बिना नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो तुम भी यहीं सो जाओ, एक से पहले दो। मैं भी यहीं सोता हूँ अम्मा के बाद। हाँ तो धीरे बोल, आजा सो जा। वो दुष्ट पुणे आ गया। अरे छलावा तो नहीं? नायब, कुत्ते को भूख लगी है, जाओ जाकर दो रोटी रख दो, खाकर सो जाएगा। हे, सुनिए। शादा जाकर देखो। अरे हम क्यों जाएं? आप जाइए, ये जा रही है। अरे नहीं नहीं अम्मा, अम्मा नहीं नहीं, चलावा तुम्हें पकड़ लेगा। नहीं नहीं नहीं
मेरी मिठाई खा रहा है। ये तो मिठाई खाने वाला चला हुआ लगता है। हमारा मीठा लग पीने से पहले मुंह मीठा कर रहा है। कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? और आप सब मुझे इस तरह से घूम घूम कर क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैं इस घर के स्वामी हैं। महोदय, आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, ईश्वर की कृपा से। लामा नीचे आता, ये विचित्र पुलिस तुझे प्रणाम कर ले। अच्छा, बड़ा विचित्र पुरुष है। चुपचाप किसी के घर में आ जाते हो, बिना पूछे उसकी मिठाई खा लेते हो और फिर प्रणाम भी करते हो। महोदय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम इस रोग से स्वयं बहुत तंग आ चुके हैं, ईश्वर की कृपा से। हमारा नाम गंगा राव है, हमें नींद में चलने का रोग है। ईश्वर की कृपा से अगर हम किसी जंगल में पहुंच जाते तो, या किसी कुएं में गिर जाते तो। आप इस नगर के निवासी तो नहीं लगते? जी, हम गुंटूर के निवासी हैं, विजयनगर के महान गुरुवर तथाचार्य जी से मिलने के लिए आए थे। रात में हमें नींद लग गई तो हम एक आंगन में सो गए। अब आंख आपके यहाँ पर आकर खुली, ईश्वर की कृपा से। बोलो, हमारे घर में आके खुलनी थी, ईश्वर की कृपा से। वैसे आचार्य का घर नगर के कोने पर ही है और इतना विशाल है कि बड़ी दूर से ही नजर आ जाता है। नींद खुलनी थी तो उनके घर में खुलनी चाहिए थी, बेकार में ही हमें डरा दिया, नींद से जगा दिया, है ना? महोदय, हम अत्यंत लज्जित हैं। ईश्वर की कृपा से हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं। ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? रात बहुत हो गई है, यही विश्राम कर, कल सुबह चले जाना। जी, सही कहा मेरी धर्मपत्नी ने। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, प्रातः काल भोर होते ही आचार्य के घर के लिए निकल लीजिएगा। वाह वाह महोदय, आप धन्य हैं। जैसा हमने विजयनगर के बारे में सुना था वैसा ही पाया। क्या सुना था? यही कि विजयनगर के निवासियों का हृदय बहुत ही विशाल है। देखिए ना, रात्रि में हमने आपको कितना परेशान किया, उसके पश्चात भी आपने अपने निवास पर हमें आश्रय दिया, ईश्वर की कृपा से। जी सही कहा, ईश्वर की कृपा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कल जब आचार्य से मिलने जाए तो खाली हाथ मत जाइएगा, कोई भेंट लेकर अवश्य जाइएगा। अब क्या है कि मेरी तरह आचार्य का हृदय भी बड़ा विशाल है, अब इतने विशाल हृदय को भरने के लिए कुछ भेंट तो लगेगी। हमारे पास तो कोई भेंट नहीं है। हाँ, रास्ते में हमें एक व्यापारी मिला था जिससे हमने ये भेड़िये की खाल खरीदी थी। अच्छा अच्छा, यही भेंट दे दीजिएगा आचार्य को, उन्हें अवश्य पसंद आएगा। अब आप सो जाइए। हाँ, हम सब भी सो जाते हैं। हम यही सो जाएं। अच्छा, इधर बोलो, इसको यहाँ सोना था। अच्छा वाह माँ, तुम आगे आगे चल रही थी, अन्यथा क्रोध में पता नहीं मैं क्या कर जाता। हाँ, चलो सोना। हाँ, चल। पिचके मुंह का हमारा बुढ़ा हो। अरे क्या बकबक कर रहा है मनी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही धनी,
अरे आज अपने बुड्ढे को जी भर के कोस नहीं पाया ना इसीलिए। अरे कितनी बार बोला है रात को उस बुढ़ो का नाम मत लिया कर वरना कुछ अशुभ हो जाएगा। कुछ अशुभ नहीं होगा, अपना बुड्ढा इतना बड़ा अशुभ है कि अशुभता भी उसके पास नहीं पटकती। बातें नहीं बात करते, मुझे वो लोड़ी याद है जो बचपन में माँ ने सुनाया करती थी। वो फूल लाल लाल वाली। हाँ हाँ वही वही, क्या थी वो? फूल लाल लाल जैसे बुड्ढे के बाल। पर मैंने अपने बुड्ढे के सर पे तो बाल ही नहीं है। अरे पगले ढंग अपने बुढ़ो की बात नहीं करो, लोरी वाले बुढ़ो की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा सुना सुना सुना। सुन सुन, फूल लाल लाल जैसे बुड्ढे के बाल, बुड्ढे के बाल भैया भेड़िए की चाल, भेड़िए की चाल भैया मच गया बवाल, भेड़िए की चाल भैया भेड़िए की चाल, भेड़िए की चाल भैया भेड़िए। फूल लाल लाल जैसे बुड्ढे के बाल, भेड़िया भेड़िया, भेड़िए की चाल भैया भेड़िए की चाल, भेड़िया भेड़िया। अरे तुम्हें भेड़िए से आगे भी तो बढ़ना। अरे भेड़िए से आगे कैसे बढ़ो, भेड़िया तो मेरे सामने खड़ा। हमें माफ कर दो, हमारे गुरु को कहो उसे मारो, उसे मारो। भैया महाराज वो हमारे, अरे हमारे क्या, सारे भी जंग करके वही शत्रु हुए, उसे जाके कहो। और हमको हमको माफ कर दो, उतार करो भैया महाराज। जाओ महाराज जाओ जाओ हमारा गया। चल मनी अपने गुरु का अंत देखते हैं। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। चित्र भ्रम था हमारा। आप हमारे पूजनीय हो, हमारे आदरणीय हो, हमारे प्रिय हो, पर इतने भी प्रिय नहीं कि हम आपके चक्कर में इस मानव भेड़िए का भोजन बन जाए। नहीं आएंगे। अरे ये तो मानव भेड़िया नहीं, मानव है। ले भली, फिर से बच गया ये बुढ़ो। चल अंदर चल। गुरुजी कृपया करके संसार में वापस आइए। ओम शांति शांति फू, ओम शांति शांति फू फा। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? ईश्वर की कृपा से साक्षात ईश्वर के समक्ष खड़े हो, ईश्वर की कृपा से।
यह महान गुरुवर, गुरु श्रेष्ठ, अति पवित्र, त्रिकालदर्शी तथाचार्य। तथाचार्य जी, हाँ हाँ ठीक है तुम्हारी हिम्मत कैसे ये भेड़िए की खाल पहनकर हमारे सामने आने की? गुरुदेव, ये तो हम आपको भेंट करने के लिए लेके आए थे। हड़प, दूर करो इसे। गुरुवर, हमारा नाम गंगाराव है, हम गुंटूर के रहने वाले हैं। गुरुवर हमें क्षमा करें, हमें नींद में चलने की बीमारी है, ईश्वर की कृपा से। नींद में चलने की बीमारी है तो कहीं और जाके मरना था ना, यहाँ क्यों आवागमन किया? हम गुंटूर से चले आ रहे हैं इसलिए आपसे मिलने के लिए गुरुवर। हाँ ठीक है, वो सुबह हमारा भक्तों से मिलने का समय होता है, सुबह आइए, मिलेंगे। जैसे गुरुवर की इच्छा। सुनो, प्रार्थना कर क्यों हो गए? अभी बताओ क्यों आए हो, क्या बात है? गुरुवर, हमसे एक व्यक्ति ने ना सूद पे धन लिया था, अब वो स्वर्ग से धार गया है, लेकिन उसके घर वालों ने ना हमें धन के बदले एक हवेली दे दी थी। मूर्ख आदमी, इसमें आपत्ति क्या है? धन के बदले में कुछ तो मिला। नहीं गुरुदेव, हमें वो हवेली नहीं चाहिए, वो एक भूतिया हवेली है। उसमें एक मृत नर्तकी की आत्मा भटकती रहती है। मैं जैसे ही उस हवेली के अंदर गया तो मैंने देखा, कोई भी निवास नहीं कर सकता। शिव 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 शिव। कैसी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे ये भूत, ये सब काल्पनिक बातें हैं, समझे? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वहां पर भूत आत्मा का वास है, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, ईश्वर की कृपा से। हमें लगता है ये जो तुम्हें केवल नींद में चलने का रोग नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मस्तिष्क में भी कुछ समस्या है। हमसे मिलने की जगह पहले उसका समाधान खोजो। चल पगले। हमने कहा? नहीं स्वामी, आप भी ना आजकल सबके समक्ष हमसे परिहास करने लगते हैं। हम तो आपके इस निर्बल भक्त से कह रहे थे। अरे पगले, अगर भगवान से कुछ अनुरोध करना है तो थोड़ी ही उनके दर्शन या उपस्थिति की आवश्यकता है। तुम तो बस सूर्योदय के समय हमारे प्रभु का नाम जपा करो, तुम्हारी हर समस्या का निवारण हो जाएगा। तेरी जैसी गुरुवर माता की आज्ञा, ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा गुरुवर, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। किंतु हमारा आपसे एक अनुरोध है। हाँ बोलो। कृपया करके एक बार आप हमारी पीठ तो देख लीजिए। अभी इसी समय हमारे घर से निकल जाओ, ये निशान तुमने स्वयं बनाया अपने हाथ से। नहीं गुरुदेव, हमारा हाथ किसी पीठ तक कैसे जा सकता है? तो हो सकता है किसी और के हाथ से ये बंदे का निशान बनाओ। नहीं गुरुदेव, तुमने हमें कुछ छोटा मोटा तांत्रिक समझ के रखा है। अभी इसी समय निकल जाओ हमारे घर से। जैसी गुरुवर की इच्छा, किंतु अब हमारा ये भेंट तो साकार कर लीजिए। हट जाओ यहां से।
मूर्ख इंसान ईश्वर की कृपा से हमारे घर में कथाचार्य के मंदिर जैसे घर में भूत प्रेतों की बातें करता है। मूर्ख तो है ही, वरना हमारे गुरु घंटाल जी के पास थोड़ी ना आता, पंडित राम कृष्णा के पास जाता। हाँ वो तो है, क्योंकि उस रामायण के सबसे बड़े राक्षस चलते फिरते नर पिशाच हमारे गुरुवर को ठीक कर दिया, तो उस नर्त की छोटी सी आत्मा क्या चीज है। धन्यवाणी, जाओ इस आदमी को रोको और से कहो कल सुबह दरबार में आए, हम इसकी सहायता अवश्य करेंगे। जो आगे गुरु जी। पंडित रामा कृष्णा। मंत्रीवर सभा आरंभ की जाए। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं महाराज, पर एक अत्यंत आवश्यक कार्य के प्रति हम महाराज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आचार्य वर, हमारा ध्यान तो सदैव आपके लिए आकर्षित रहता है। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य। महाराज ये गंगा राव हैं, गुंटूर से आए, इनकी समस्या थोड़ी विकट है, इसलिए हम इन्हें आपके समक्ष लाए। आओ गंगा राव, स्वयं महाराज तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। गंगाराव, ये भूत पिशाच मृत आत्मा ये सब काल्पनिक बातें, ऐसा कुछ होता नहीं, ये केवल भ्रम है आपके मन का, आपको आपके मन से इस भ्रम को निकालना पड़ेगा। यही तो महाराज, गंगाराव और गुंटूर के निवासियों के मन से मृत आत्मा के इस भय और डर को निकालना हमारा कर्तव्य है महाराज। हम तो कहते हैं कि हमें पूरे राज्य से इस प्रकार के ठकोसने भरे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमें अपने राज्य में फैले इन अंधविश्वासों को, भूत प्रेत और आत्माओं से भरी मनगढ़ंत कहानियों को दूर करने के लिए अवश्य कदम उठाने चाहिए। अवश्य अवश्य गुरुवर, तो आप बताइए कोई उपाय सोचा है आपने इस विषय में। जी महाराज अवश्य, यदि एक ऐसे व्यक्ति को हवेली भेजा जाए जो इस हवेली में एक रात पूरी रात अकेले व्यतीत करे और प्रातः काल जीवित लौटाए, तो बस गंगा राव के साथ साथ पूरी प्रजा के मन से इस मृत आत्मा का भय और भ्रम दोनों निकल जाएंगे। अद्भुत आचार्य पर, अद्भुत उपाय है ये। हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हमारे दरबार में से जो एक रात्रि के लिए उस हवेली में जाकर रहे। कौन करेगा ये कार्य संपन्न? आचार्य वर। जी महाराज। अब आप ही बताइए, आपके अनुसार कौन है ऐसा उपयुक्त व्यक्ति हमारे दरबार में? महाराज, इस कार्य के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति है इस दरबार में, क्योंकि उनसे उपयुक्त, उनसे बुद्धिमान और उनसे चतुर और कोई हो ही नहीं सकता है, और वो है हमारे विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामकृष्ण। रामा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? भूत प्रेत के बारे में सुनकर ही तुझे ज्वर चढ़ जाता है, और ये तथाचार्य तो तेरा मृत आत्मा से साक्षात्कार करवाने पर तुला है। हाँ बंधु, ये सब इस कपटी आचार्य का षड्यंत्र है, ये मुझे अभी से ही स्वर्गवासी बनाने का प्रबंध कर चुके हैं। मैं विजयनगर की सीमाओं से दूर भाग जाऊंगा, कभी किसी को दिखाई नहीं दूंगा, परंतु आचार्य के षड्यंत्रों की भेंट नहीं चढ़ूंगा। पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या विचार है आपका इस विषय में? तनाली
महाराज, भूत प्रेत मृत आत्माएं ये सब तो लोगों के आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं और लोगों का अंधविश्वास ही है। तो जिस तरह से हीरा हीरे को काटता है उसी तरह से सच्ची आस्था ही अंध आस्था का समाधान है। तो महाराज, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर लोगों की आस्था हो, जिस पर लोगों की श्रद्धा हो, जिस पर लोगों का पूर्ण विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति ही इस अंधविश्वास का समाधान कर सकता है महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम आपके कथन से सहमत हैं। आचार्य वर, जी जी महाराज, अभी पंडित रामकृष्ण से हमारी प्रजा भली भांति परिचित नहीं है। हाँ, वो तो हम जानते हैं। कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा सम्मानित व्यक्ति जिससे हमारी प्रजा भली भांति परिचित भी हो और जिस पर हमारी प्रजा को भरोसा भी हो, ऐसा कोई व्यक्ति यदि वहां पर जाए और एक रात के लिए रुकेगा तो इस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। महाराज, आपकी दृष्टि में ऐसा व्यक्ति कौन है? आप अच्छा नहीं जी। ये हम महाराज। हाँ आचार्यवर, आपसे ज्यादा प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति कौन है इस दरबार में? आप पर प्रजा को पूर्ण विश्वास है। आप पर जितनी आस्था है उतनी आस्था और किस पर है? सात समंदर कहाँ पर जाकर इस बुड्ढे ने सबको ठगा है, इसे कौन नहीं जानता। पासा उल्टा पड़ गया, रामा के लिए गड्ढा खोदा, स्वयं बुड्ढा गड्ढे में जा गिरा। आचार्य, ये हमारा विश्वास है, यदि आप एक रात्रि उस हवेली में जाकर रहेंगे तो हमारी प्रजा पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और संभवतः हमारी प्रजा इस अंधविश्वास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। परंतु महाराज, यदि हम हवेली गए तो दरबार का क्या होगा? हमारा जो अनुष्ठान चल रहा है उसका क्या होगा? आचार्य, आपका जीवन आपका नहीं है। यदि हमारा जीवन हमारा नहीं होगा तो और किसका होगा? महाराज, आचार्य वे कितने भोले हैं ना। वो तो है, हम सबका है, इस राज्य का है, महाराज का है। आप जैसा महान पंडित हमारे लिए ही तो हुए हैं। हाँ, हुए हैं। इस सारे संसार के लिए तो अवतरित हुए हैं। हाँ, हुए हैं। आपसे बड़ा ज्ञानी, महापंडित, विद्वान और कोई नहीं है। कोई नहीं, आप ही सबसे बड़े त्रिकाल दृष्टा है। हाँ, वो तो है। तो जाना भी तो आपको ही पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा। बजरंगबली मेरी, हमारे प्रभु के आने की सूचना पाकर हवेली में रहने वाली सभी मृत आत्माएं भाग गई होंगी अब तक। बलि देने से पहले किसी पशु की आरती हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत तो ये भी हो रहा है, इस बुढ़ो का पाप का घड़ा भर चुका है। चाहिए प्रभु, हवेली में रहने वाले बच्चे कुचे, भूत पिशाच और मृत आत्माओं को अपने दर्शन देकर उनका उद्धार कीजिए। चाहिए, विलम्ब न कीजिए। अब आप दिवंगत व्यक्ति के लिए कहा जाता है, हम तो अभी जीवित हैं। और कितनी देर गुरुजी? क्या कहा? देर हो रही है गुरुजी, मुहूर्त निकला जा रहा है। और विलंब ना कीजिए, महाबली की तरह जाइए, उस मृत आत्मा को भगा कर वीर गति मतलब वीरों की भांति वापिस लौट आइए गुरुजी। जाइए, निकलिए। ठीक है, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। हाँ, तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे? गुरु भक्त होने का ढोंग करते हो, हमारे साथ चलने के लिए मना कर रहे हो? गुरु जी, जो स्वयं की भक्ति नहीं करता वो गुरु भक्ति वाला क्या करेगा? भक्ति तो सबसे पहले स्वयं की करनी चाहिए गुरु जी, हमने आपसे ही सीखा है। अच्छा, तो ऐसे आ रहे हो? ठीक, ऐसे आओ, हम भी कोतवाल से कह के तुम दोनों को काल कोठड़ी में डलवा देंगे। सरते रहना और करना मृत्यु की प्रतीक्षा। चलो मेरे बच्चों, चलो। अम्मा, कल की अधूरी कहानी पूरी कर लो ना। कल मैं इस समय कहाँ थी?
यहीं पर तो थे हम सब कल पगली। अरे ये कह रही है कि कल इस समय कहानी में ये कहाँ थे? मृत आत्मा की बात होती आप बौखला जाते। कह रही है अब ये छलावा और ये दोनों घर के बाहर थे। छलावा अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से इन्हें घूर रहा था। इसके बड़े बड़े दांत चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। छलावे ने बैल का रूप धारण कर लिया था। उसने अपने आगे के दोनों पैर इसे हवा में उठा लिए थे और फिर अम्मा डर गई। कभी यहाँ छुप रही थी, कभी वहां छुप रही थी। बैल उनके पीछे पीछे आ रहा था। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछ रही है कि आप डर रहे हैं या हंस रहे हैं? अरे परिस्थिति ऐसी अम्मा, डर भी लग रहा है और हंसी भी आ रही है। छलावे की कहानी सुनकर मुझे डर लग रहा है और आचार्य के बारे में सोचकर हंसी आ रही है। पता नहीं बेचारे पर क्या क्या बीत रही होगी। स्वागत में बार खोल देगी। धनी, ये द्वार तो स्वयं अपने आप ही खुल गए। साक्षात मृत्यु के द्वार प्रतीत होते हैं। मैंने हमें भीतर नहीं जाना चाहिए। चल भाग चले। आप कर रहे हो? ये भ्रम है। द्वार स्वयं ही खुला है। वायु के कारण ऐसा हुआ होगा नहीं। ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है। कुछ भी हो गुरुजी, परमात्मा नहीं जाएंगे। यहाँ नहीं आना चाहते थे। क्या करें? किसी भी तरह एक रात हमें इस हवेली में बिता कर रहने का भागना होगा, अन्यथा महाराज को क्या करेंगे? और कोई विकल्प नहीं है। हड़ो ऐसा प्रतीत होता है शताब्दियों से इस हवेली में कोई आया ही ना हो। धूल मिट्टी मकड़ी जाले मृत आत्मा के लिए उपयुक्त वातावरण है। इस हवेली में अवश्य मृत आत्मा का वास होगा। लौट चलते हैं गुरुजी, अभी भी समय। लौट चलते वापस चलते हैं गुरुजी। मेरे शिष्य डरो मत, द्वारा भी खुला है। यदि कुछ हुआ ना तो हमें भागने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्र मणि, मेरे जीवन की अंतिम घड़ियां गिनने में मेरी मदद कर। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों?